मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम 2024? देखो, 2 मार्क्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से चाहते हैं। ए मॉडल में क्या आया, एक्सप्रेस टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा में बोलो बोलो अपनी मन, टैन थीटा बोलते क्या फार्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, नीचे कॉस थीटा है, साइन थीटा ऊपर है। अपने को साइन थीटा को क्या करना, कॉस थीटा पे करना। अपने को साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अपने साइन होना, उसको उधर लेके जाना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस उधर है तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता, रूट, यहाँ स्क्वायर इधर आए तो रूट होता, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या करना, अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन थीटा, क्या क्या लिखना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। इतना ही आंसर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सेट दिया, एक्स इज इक्वल क्या, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 18 बोला। अपन क्या करना है, इसको पहले ए सेट बनाएंगे, अपन ए इज इक्वल टू एक्स फैक्टर्स क्या है, 18 के फैक्टर्स, एक्स क्या है फैक्टर है किसका, 18 का, कौन से 18 के फैक्टर्स अपन लिखना, 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 5 नहीं आता, 6 3 जा 18, 7 8 नहीं आता, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। सेम बी का भी दो, बी बोला सेट, क्या बोला, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 36 बोला, 36 के फैक्टर्स क्या है, 1 36 जा 36, 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 6 12 6 6 जा 36, 9 9 आता नहीं आता, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, इसके बाद क्या था, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। देखो क्या पूछा, इज ए सबसेट बी जस्टिफाई बोल रहा, ऑलमोस्ट पूरे देखो क्या है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स, इसमें सो क्या होता, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए में है सो पूरे बी में है, ऑलमोस्ट पूरे है। ओके, सो ए सबसेट बी, ये आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझे तो आंसर इजी रहता है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, क्या कर रहा है ऑब्जर्वर, कहाँ खड़ा करते हैं, 10 मीटर दूर पे खड़ा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, क्या बोल रहा है, एक टावर है। ओके, ये टावर, ये क्या है उसका फुट है, कितनी डिस्टेंस पे खड़ा करते हैं ऑब्जर्वर, 10 मीटर बोल रहा। ओके, ये जो है ये 10 मीटर दूर पे है, 10 मीटर दूर पे थरा, और क्या बोल रहा नेक्स्ट टावर। ओके, ऑब्जर्व इट टॉप्स विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, यहाँ से ऑब्जर्व कर रखा था यहाँ टॉप पे, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। ओके, ड्रा ए सुटेबल डायग्राम फॉर द सिचुएशन, इसके लिए उतार दिए। अब क्या लिखना है यहाँ पे, देखो इसको मैं क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ। ओके, ये जब क्या होता है, ए बी क्या है टावर, ओके, सी क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, उसके बाद क्या है 60 डिग्रीज क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, यही चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
The side of a triangle measures 2 root 2, 4 and 2 root 6. क्या दिया sides? 2 root 2 दिया, 4 दिया, 2 root 6 दिया. Okay? Units, units बोला, सब units. Okay? Is it a right angle triangle? Justify. क्या बोल रहा है? Right angle triangle है क्या पूछ रहा? तो अपने क्या हमारा right angle triangle होना बोलते हो? क्या करना? Right angle triangle होना बोलते हो? Triangle. कब होता? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फैक्शन करना, थ्योरम सेटिस्फाई हो तो होता. ओके, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. ओके, अपने को मालूम ये दो साइड्स दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक दिया, टू, देखो टू रूट सिक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर प्लस 2 root 2 स्क्वेयर ले रहा हूँ. ओके, 2 root 2 स्क्वेयर बोलते 2 into 2 square इंटू रूट टू स्क्वेयर. ओके, 4 स्क्वेयर बोलते 16, 2 स्क्वेयर प्लस रूट टू स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसल, स्क्वेयर रूट कैंसल. ओके, 6 है सॉरी, स्क्वेयर रूट कैंसल हो गया. अब देखो 2 स्क्वायर बोलते हो 4 into 6, 16 प्लस 2 स्क्वायर बोलते हो 4 into 2. ओके, 4 6 are 24, 4 plus 16 plus 8, 24 is equals to 24. ओके, क्या दिया? देर फॉर ये सेटिस्फैक्शन हो सर. देर फॉर गिवेन ट्राइंगल, इवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, आंसर सिंपल सेटिस्फैक्शन कहे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला. क्या दिया इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0. देखो इसको मल्टीप्लाई करना, इसके क्वेश्चन से -3 into 1 क्या है? -3. अब इसको कैसा लिखना है? देखो 3 -3 में से, ओके -3 आया ना, इसको क्या लिखना, ये -3 को तोड़े तो क्या आना, +2 आना बीच में. तो क्या कर रहा है इसमें, 3 - 1 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या था, 2 आता. ओके, अब देखो तो क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1x - 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन लिया तो यहाँ x चलेगा और एक x बचता, यहाँ x चलेगा तो यहाँ क्या बचता, प्लस है, यहाँ 1 बस 3 बचता, x चलेगा भाई. फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ माइनस चलेगा, बचा क्या, एक्स बचा, यहाँ पे माइनस गया तो प्लस हो जाता, यहाँ बचा गया 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ दो एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री सेम है, दोनों कॉमन ले रहा हूँ अब इसमें, एक्स प्लस थ्री कॉमन लिया तो क्या बचता है, यहाँ पे एक्स बचा, फिर माइनस है, फिर यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ये बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0. अब देखो किसका उसको लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स -1 इज इक्वल टू 0. जब क्या होता है, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +1. तो क्या है अब ये रूट, क्या है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इक्वेशन और क्या है इज इक्वल टू 3, 1 -3, 1. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी बोल रहा, सी के पास क्या है, सी के पास राइट एंगल बोल रहा. ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओके
क्या है सी बोल रहा, ओके। और क्या बोला, इन विच ए बी, ये ए समझ लो इसको, बी समझ लो, क्या दिया 13 सेंटीमीटर दिया। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए बोल रहा, फाइंड आउट करो बोल रहा। क्या आप देखो कॉस कॉस बी बोलते क्या, बी से देखना एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट, ओके। एडजेसेंट क्या है, बी सी बाई ए बी, फाइव बाई 13, ओके। नेक्स्ट क्या पूछा, साइन स्क्वायर है, साइन ए, साइन ए क्या होता, अपोजिट बाई एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ओके। साइन ए से अपोजिट क्या है, बी सी, बी सी बाई हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी, क्या 5/13 ए बी। क्या पूछा क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए पूछा, ओके। कॉस स्क्वायर बी क्या है, 5/13 स्क्वायर प्लस 5/ कॉस साइन स्क्वायर ए भी क्या है, सेम है 5/13 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बोलता हो 25, 160, 13 स्क्वायर बोलता 169, 5 स्क्वायर बोलता 25, 13 स्क्वायर बोलता 169। देखो डिनोमिनेटर में सेम रहते, क्या करना, डिनोमिनेटर को लिख देके ऊपर वालों को प्लस कर देना, 25 प्लस 25, तब क्या होता 50/169, क्या है आंसर, ओके। कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट पी इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ ऑफ द सर्किल, ये क्या है सेंटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल है उसका सेंटर क्या है, ओ है। सेंटर से क्या बोला, पी तक डिस्टेंस क्या बोला, ये पी, ये कितना डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर बोला, ओके। द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी, पी से क्या करें अपन टैंजेंट डाले, टैंजेंट बोलते क्या सर्किल के ऊपर डालते, ये क्या है पी, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसका क्या पूछा, ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्किल, ये कितना डिस्टेंस बोला 24 सेंटीमीटर होती है, बाकी क्या है फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल, अपन यहाँ से क्या कर रहा हूँ सर्किल पे रेडियस उतार, ये कितना डिग्रीज होता 90 डिग्रीज होता, ओके। ये ओ, ये पी, इसको क्या समझ रहा हूँ मैं, ये समझ रहा हूँ, ओके। ये क्या देखा लिख रहा हूँ मैं आंसर में, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल ए ओ पी, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है इसमें अपने को, रेडियस पूछा है, ये आर नहीं मानो अपने को, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पाइथागोरस थ्योरम में लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या होता, ये हाइपोटेन्यूस होता, ओके। ओ पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ओके। ये ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, अपने को मालूम ओ पी क्या है 25 स्क्वायर, ओ ए क्या है नहीं मालूम, आर स्क्वायर होता रेडियस, ए पी क्या है 24 स्क्वायर, ये क्या 25 स्क्वायर बोलते कितना 625 आर स्क्वायर, 24 स्क्वायर होता 576, यहाँ प्लस इधर आता माइनस होता, आर स्क्वायर इज इक्वल 625 माइनस 576, देन क्या होता आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 तो 49, इसको क्या लिख सकते 7 स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू क्या होता, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या है सर्किल का, रेडियस ऑफ
circle is 7 centimeters. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टेक्स एंगल ऑफ ए कोन, कोन कैसा रहता है? ओके, कोन ऐसा रहता है, सर्किल नीचे, ओके ये है, ये क्या रहता है? रेडियस आर, एक कोन एंगल, वर्टेक्स एंगल कितना बोल रहा है? ये 60 डिग्रीज का है, ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द कौन कौन। यहाँ से देखो ये क्या करते हैं, अपन इसको यहाँ लाइन डाले तो देखो क्या होता है, 60 डिग्रीज था ना, इधर 30 हुआ था, इधर 30 डिग्रीज होता है, ये क्या है? हाइट, ये आर, ओके देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं टैन थीटा ले रहा हूँ, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपने को मालूम, टैन थीटा क्या रहता है? अपोजिट बाई एडजेसेंट साइड, यहाँ अपोजिट क्या है? आर, हाइपोटेन्यूज क्या है? एच, ओके टैन, और अपने को आर बोलता मालूम है, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी बाई टी, अपने डायमीटर पूछा ना, डायमीटर हाइट के बीच में पूछा, ओके थीटा क्या है? 30 डिग्रीज, ओके अब देखो टैन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू आर की जगह डी बाई टू सब्स्टिट्यूट करूँ, डी बाई टू एच, ओके टैन 30 क्या है अपने को मालूम, टैन 30 क्या है अपने मालूम, 1/√3, ये क्या होता है? डी बाई टू एच, टू को उधर लेके आए तो क्या होता है? डी बाई एच इज इक्वल्स टू 2/√3, देखो क्या बोल रहा है, आगे आंसर अपनी एच, द रेशियो रेशियो ऑफ हाइट डायमीटर विथ हाइट, डायमीटर मीटर विथ हाइट क्या होता, डी इज टू एच इज इक्वल्स टू 2/√3, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज लॉग ऑफ, लॉग क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ 81/3 रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अपने 81 क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते, 3 यहाँ बेस 3 है, 3/4 ये कौन से फॉर्म में है? लॉग ऑफ ए पावर एम, ए है क्या होता है? एम लॉग ए होता, और ए लॉग ए बेस से क्या होता है? वैल्यू 1 होता, क्या होता एम होता, ओके तो क्या होता है यहाँ पे 4 log 3/3, 4 × 1 आंसर क्या होता है? 4, 4 क्या है? लॉग 81/3 इज रेशनल नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है? एक्स इज इक्वल्स टू ए सेकेंड थीटा बोल रहा, मैं क्या करूँ, ए को इधर ले ले रहा हूँ, एक्स बाई ए सेकेंड थीटा, ओके फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या दिया कामा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा दिया, ओके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भी बी को इधर ले रहा हूँ, वाई बाई बी टैन थीटा, दोनों को स्क्वेयर कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके जब क्या होता एक्स बाई ए, ओके एक्स बाई ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, वाई बाई वाई बाई बी होल स्क्वेयर टैन स्क्वेयर थीटा, क्या क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा, क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, देखो क्वेश्चन क्या दिया, ये दे दिया, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल रहा, ओके अब देखो नेक्स्ट क्या, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए टैन स्क्वायर थीटा, ओके अब मैं दोनों ये इसको क्या समझ रहा हूँ, इक्वेशन 1 समझ रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 समझ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, जब क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा, अपने मानो आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर टैन माइनस सीकेंट स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा होता 1, जब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यही आंसर है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपने प्रूव करो बोला,
एच प्रूफ करो बोला, अपन प्रूफ कर दिया सिंपल। देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन बोल करो बोला अपन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।